सागर विधानसभा के कजलीवन मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी नेवी चैन के समर्थन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आम सभा को संबोधित कर भाजपा पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि शिवराज ने मध्य प्रदेश की जनता को निराश किया है और यह जनता भी जानती है। राहुल ने शिवराज पर निशाना साधते हुए रेत माफियाओं को जिक्र करते हुए कहा कि रेत घोटाला, व्यापम घोटाला, नर्मदा घोटाला में शिवराज की पत्नी और बेटे का नाम शामिल है। मंदसौर का गोलीकांड जैसी घटना शर्मनाक है, अब वक्त बदलाव का है। वहीं नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उद्योग के नाम पर अंबानी परिवार से मिलकर उद्योग के नाम पर भी जमकर घोटाला किया गया। सभा में कमलनाथ सागर प्रत्याशी नेवी चैन, कमलेश साहू, गोविंद राजपूत सहित सागर जिले की 8 विधानसभाओं से कांग्रेस कार्यकर्ता हजारों की संख्या में शामिल होने पहुंचे। रेखा चौधरी जी, हीरा सिंह राजपूत जी, आनंद अहिवार जी, हमारे कैंडिडेट, युवा कैंडिडेट, अभी भी सरकार मध्य प्रदेश के युवाओं को कहते देखो भैया, ईमानदारी से यहाँ कुछ नहीं होगा और पैसे के बिना यहाँ पर कोई पास नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद।